तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलीगढ़ व्लॉग्स। तो फ्रेंड कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स हमें 2-3 दिन के लिए एक होटल बुक करना है, तो चलकर पाम ट्री होटल और लेमन ट्री होटल के चार्जेस के बारे में पता करते हैं क्या चार्जेस हैं 2 नाइट स्टे की, और जो ज़्यादा इकोनॉमिकल होगा उसको हम बुक करेंगे। तो चलाओ तो गाड़ी, और अब वहाँ का क्या फैसिलिटीज़ है पाम ट्री में, लेमन ट्री में क्या चार्जेस हैं, ये सारा कुछ हम वहाँ पता करते हैं फिर आपको बताते हैं। और हम पाम ट्री के पास आ चुके हैं, तो ये सीधे आपके ले रहा हूँ। पाम ट्री में जो पर नाइट का चार्जेस है बेडरूम का, जिसमें डबल बेड है, उसके पर नाइट का चार्ज है आपका 4,700 रुपीज़, जिसमें आपके 2 बेड होंगे और ब्रेकफास्ट इंक्लूड होगा। और अगर कोई बच्चा होगा जैसे 12-13 साल से बड़ा, तो उसके लिए एक अलग से बेड लगाएंगे वो लोग, जिसके चार्जेस हैं आपके कितने 840 रुपीज़। और आजकल 20% डिस्काउंट चल रहा है, तो डिस्काउंट के बाद जो बेडरूम का जो चार्ज बताया उन्होंने वो ये 3,880 रुपीज़। जी, तो 20% डिस्काउंट चला। वैसे जो नॉर्मल के चार्जेस रहते हैं मैंने आपको बता के 4,700 रुपीज़ है, जिसमें आपको वन नाइट स्टे का चार्जेस है ये, जिसमें आपको ब्रेकफास्ट इंक्लूड है इसके लिए। तो फ्रेंड चल के अब चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ लेमन ट्री पता कर लेते हैं, जहाँ पे ज़्यादा इकोनॉमिकल होगा वहाँ कर लेते हैं। ये लेमन ट्री तो चल के पता करते हैं। तो फ्रेंड्स जो लेमन ट्री में जो चार्जेस है पर बेडरूम, जिसमें डबल बेड है, वो पर नाइट चार्जेस वहाँ बताए हैं 6,080 रुपीज़, जिसमें आपको आपका ब्रेकफास्ट इंक्लूड है। तो ये तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, उसी हिसाब से फैसिलिटीज भी होंगी क्योंकि काफ़ी अच्छा है होटल। तो आपको मैंने बता दिया कि पर नाइट मतलब वन नाइट स्टे का जो लेमन ट्री में चार्जेस है वो 6,080 रुपीज़ है, लेफ्ट हैंड पर आगे लो 6,080 रुपीज़ है। और लेमन सॉरी पाम ट्री में डिस्काउंट के साथ जो आज चल रहा है आजकल, उसमें पड़ेगा आपको 3,800 रुपीज़ वन नाइट स्टे में ब्रेकफास्ट इंक्लूड है। और आगे चलाओ, और अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं लेते हैं तो आपको 300 रुपीज़ पर रूम आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं लेते। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं, वैसे टिपिकल जो पाम ट्री लग रहा है काफ़ी डिफरेंस है, आपको 6,000 रुपये पड़ रहा है और ये आपको पड़ रहा है कितने का, 3,800 का पड़ रहा है। तो चलिए आप जैसा भी होगा आपको बताते हैं, देखते हैं हम कौन सा होटल बुक करते हैं। बेसिकली हमें 2 डेज़ के लिए 3 बेडरूम हमें बुक करना है। चलिए फ्रेंड वीडियो यहाँ तक देख लीजिए, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब करिए। और इस पर हम लोग जोधपुर तक आ चुके हैं। भाई कैसा लग रहा है अलीगढ़ में? बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये इन भाई का बीए का टेस्ट था कल, बीए का एंट्रेंस था, तो ये बीए का एंट्रेंस देने आए थे। कैसा हुआ भाई बीए का एंट्रेंस? बहुत अच्छा हुआ है। तो जो स्टूडेंट देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगे? बहुत सिंपल पेपर था, 2 घंटा सफिशियंट था, या फिर हमें और पेपर 2 घंटे ज़्यादा होना चाहिए टाइम? 2 घंटे से तो थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। अरे नहीं यार, तो पेपर जिस हिसाब से तुम बता रहे हो कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल बहुत इजी था इधर लेना राइट हैंड पे, तो उस हिसाब से कट ऑफ तो काफ़ी हाई जानी चाहिए जाएगी। तो फ्रेंड्स लगता है इस बार जो आपकी कट ऑफ जाने वाली है बीए की, वो मुझे ऐसा लगता है 65+ जाएगी जी। अब जो भी है देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड वीडियो कहीं पर एंड करते हैं।
तब तक के लिए बाय।